राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मुझे टॉपिक लेना पड़ा, बड़ा मजबूरी में लेना पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब पे 95% लोगों ने पूरा डर का बिजनेस फैला रखा है, और उन्होंने मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, मैरिज मैचिंग जो है, लड़का लड़की का जब शादी करने के लिए पेरेंट्स माता पिता बाहर निकलते हैं, है ना, तो उनको किस नंबर से मैच करना है, आज वो बताने जा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के बेस पे बताऊंगा, और फिर दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा बैक टू बैक आएगा एक दिन के बाद, वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, कि एज ए न्यूमोलॉजिस्ट, मैं एकदम प्योर न्यूमोलॉजिस्ट हूँ, तो न्यूमोलॉजी जो है मुलायम के बेस पे मैरिज को देखता है, इसका लॉजिक है, मैं लॉजिक से बताऊंगा। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। न्यूमोलॉजी जो है ये कहता है कि किसी की भी शादी जो है मूलांग, मूलांग को आप बर्थ डेट नंबर भी बोलते हैं, है ना, जिस जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस डेट पे आप अपना बर्थडे मनाते हो, हैप्पी बर्थडे मनाते हो, उसको मूलांग कहा जाता है, उसको बर्थ डेट भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस अरविंद सुख जी का दिया हुआ ड्राइवर नंबर भी उसी को कहा जाता है, उसी का नाम साइकिक नंबर भी है, और उसी का नाम जो है रूलिंग नंबर भी है। इतने सारे नामों से डिफरेंट डिफरेंट रेनोन्ड न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ने इन लोगों को नाम दिया हुआ है। तो न्यूमोलॉजी जो है मूलांग के बेस पे काम करता है, क्योंकि मूलांग जो है वो बचपन, जैसे ही आप पैदा हुए आपका मूलांक नंबर ही जो बर्थ डेट नंबर है वो काम करता रहता है, जो जीवन भर काम करता है जब तक आप जीवित रहोगे। डेस्टिनी नंबर जिस पे एस्ट्रोलॉजर लोग, या आज की डेट में जो न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, डेस्टिनी नंबर देख के लोगों की शादी फिक्स करते हैं, है ना, कि लड़का का डेस्टिनी ये, लड़की का डेस्टिनी वो, उनको सर ये बात पता नहीं है कि डेस्टिनी नंबर 40 साल के बाद एक्टिवेट होता है, और फिर जाके मूलांगन भाग्यांक दोनों जीवन भर चलता है, क्योंकि मूलांक जो है आपका ये तो जीवन भर साथ रहेगा आपका, भाग्यांक तो 40 के बाद एक्टिवेट होता है। तो भाई भाग्यांक देखकर आप कैसे किसी का शादी फिक्स कर सकते हो, पहला लॉजिक। दूसरा, हिंदुस्तान में 80% शादी 40 साल से पहले हो जाती है, और भाग्यांक नंबर 40 के बाद एक्टिवेट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल से पहले जब किसी की शादी फिक्स होती है 80% लोगों की, तो मूलांक देख के ही होता है, बर्थ डेट नंबर देख के होता है, रूलिंग नंबर देख के होता है, जिसको आप ड्राइवर नंबर बोलते हैं। तो ये दो लॉजिक को खाली आपको याद रखना है, एस्ट्रोलॉजी का भी बना कर दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेस्टिनी नंबर, यहाँ पे मूलांक, या मूलांक सब जगह लिखा हुआ है, वहां पर डेस्टिनी नंबर लिखा रहेगा एज पर एस्ट्रोलॉजी। आपको एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है कि किस नंबर को लेके आपको आगे बढ़ना है, न्यूमरोलॉजी नंबर को लेके या एस्ट्रोलॉजी नंबर को लेके। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आपका मूलांक है ना, आप एक नंबर वाले हो, आज में एक नंबर मतलब 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच किसी भी दिन आप पैदा हो गए हो, किसी भी महीने में, इस तारीख को, चारों ये 1, 10, 19, 28 को, इसका मतलब ये आपका मूलांक या बर्थ डेट है, ये आपका ड्राइवर नंबर है, रूलिंग नंबर है, इसी को आप साइकिक नंबर भी बोलते हैं। इसका जो है सबसे बेस्ट मैरिज किसके साथ होगा वो मैं बताऊंगा, बेस्ट विथ एक्सेलेंट एंड गुड मूलांक, एवरेज न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल किसके साथ रहेगा, और मूलांक वर्स्ट विथ मतलब जिसके साथ बिल्कुल शादी नहीं करनी है। लेकिन अब हम लोग इतना एक्सपर्ट हो गए हैं राधे राधे कृपा से, कि वर्स्ट वाला भी केस अगर आपके सामने आ जाए, या हमारे सामने आ जाता है, और आप न्यूमरोलॉजी कराने आ जाओगे, तो मैं आपको बेस्ट नंबर दूंगा, आपकी शादी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि राधे राधे के ब्लेसिंग से हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई, जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राधे राधे ने दिया है। इससे पहले मैं डिस्क्राइब करूं, ये बस छोटा सा आप लोगों को बता दूं, अभी तक अगर आपने पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराना है, पूरे परिवार का कराना है, फैमिली पैकेज के अंदर कराना है ना, स्पेशल पैकेज के अंदर करके न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एडवांस रिपोर्ट दोनों के अंदर मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है, पढ़िए लिखिए, समझिए नहीं समझते व्हाट्सएप है, इसे मैसेज छोड़िए, पीडीएफ मंगाइए और ना पढ़ कर रखिए, उसके बाद कॉल करके और जानिए कि इसके बारे में क्या है, और पूरे परिवार के वाइब्रेशन को अच्छा करना है, क्योंकि जिस तरह से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से परिवार में अगर एक आदमी का भी एंटी वाइब्रेशन होगा या है अभी, तो समझ लीजिए आप सबको तकलीफ हो रही होगी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय कॉफी नहीं है, चाय के लिए कॉफी की जरूरत नहीं है, कॉफी के लिए चाय की जरूरत नहीं है, इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है, ये मेरा टैगलाइन है, जान लो कि एडवांस में भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन मेहनत करिए, 20% मेहनत में 80% मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो हम और आचार्य मैडम बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलेगा। चलिए हम बताते हैं, इसको देख कर एकदम कंफ्यूज नहीं होना है अपने जीवन में, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटे के लिए शादी विवाह के लिए जाते हैं,
और एकदम आंख बंद करके इस पे फॉलो कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर पे राज राधे की ब्लेसिंग से। सबसे बेस्ट शादी का जो एक नंबर वाले का होता है वो होता है 2 नंबर मूलांक, 3 नंबर मूलांक और 9 नंबर वाले मूलांक के साथ, इस बात को याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रल जो है 1 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर का न्यूट्रल है। सेम वेवलेंथ पे जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे 1 नंबर राजा का नंबर है, दोनों ही राजा का नंबर है, लड़का का भी नंबर राजा का रहेगा, लड़की का नंबर भी राजा का रहेगा, दोनों ही इगोइस्ट होंगे, दोनों ही मी माई माई सेल्फ खाली बात करेंगे, दोनों में बिल्कुल पटरी नहीं बैठेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बैठेगा, इस बात को हमेशा रख। सेम नंबर वालों की सेम नंबर वालों से है ना शादी कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इसमें फिर वो जोश, वो उमंग, वो पैशन, वो उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन जब इसको नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उसको ऐसे नंबर पर दे देंगे, अपने आप वापस वो जोश, उत्साह, उमंग आ जाएगा। इसी बात को समझना है कि भले ही एक नंबर का न्यूट्रल, लेकिन इसको इस ऐसा नंबर पर हम लोग करके दे देंगे न्यूमरोलॉजी कंपाउंड नंबर पर, कि उसको जीवन में फिर से है ना खुशी, उत्साह, उमंग सब आ जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सबसे वर्स्ट केस है, दैट इज है ना जिसके साथ शादी नहीं होती है या नहीं करनी चाहिए, बट आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 3 साल से हैं, है ना, किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसका नंबर उस तरह से आगे वर्स्ट आ गया, तो क्या करिएगा? बस यहाँ पे यही सॉल्यूशन है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पेड, पैसा दे के कराना है। फ्री का कोई चीज़ किसी को ना प्यारी होती है, ना उसका वैल्यू होता है, ना इंपॉर्टेंस होता है। और हर थाली की चाबी होती है, जिस तरह से उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ का जो मूलांक है 4, 6, 7, 8 अवॉइड कर सको तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इसका सॉल्यूशन है। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए, पूरे परिवार के वाइब्रेशन को चेंज करिए, इंडिविजुअल वाइब्रेशन को चेंज करिए। रेमेडी सॉल्यूशन जो हम बताते हैं वो डॉक्टर की दवाई की तरह है, अगर आप सुबह शाम दोपहर करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल, इस बात को समझ कर रखना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करिए वीडियो को, फीडबैक देना नहीं भूलिए कमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और जाते जाते फिर से याद दिला दे, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, या तो फैमिली पैकेज के अंदर, या तो स्पेशल पैकेज के अंदर, या तो एडवांस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाइए, चाहे बेबी बचपन से बच्चा पैदा हुआ उसका न्यूमरोलॉजी करा कर रखिए, सो दैट कि आपका बच्चा एकदम ब्रिलियंट इंटेलिजेंट निकले सब चीज में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब चीज में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।